एक हवा का झोंका मेरे गालों को गुदगुदाता है, फूलों की खुशबू दिल को लुभाती है, और उसके बाद फिर ध्यान से सुनो, दूर से आती है चिड़िया की आवाज। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं भी सुन सकता हूँ। और हरे हरे बगीचों में ढेर सारे फूल, अच्छा लग रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कारुइजावा में हैं? एसी की हवा में तो कोई खास बात नहीं, कुदरती ठंडक की तो बात ही कुछ और है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम असली खेत में हैं। हवा में बसंत की मीठी सी खुशबू थी। अब क्योंकि हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे पास हर मौसम के फूल पौधे मौजूद हैं। तुम लोग हर मौसम का मजा यहाँ पर ले सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, दूसरों के आंगन की तरह नहीं। उस छोटे से आंगन में तो एक भी मौसम का मजा उठाना नामुमकिन है, पर मेरे आंगन में तो सारे मौसम के मजे लिए जा सकते हैं। ज्यादा बोल रहा है। तुम वहाँ पर खड़े मत रहो। तुम हवा के झोंके को ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को भी तो हवा चाहिए नोबिता। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा में ठंडक कम हो रही है। कितनी बुरी बात है ना, सुनियो। ओफो, काश यहाँ से कोई एक चला जाता। हाँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा, समझे? वैसे मुझे भी अब चलना चाहिए। अरे नहीं, ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर ताजी हवा का सचमुच बहुत मजा आया, फूलों की खुशबू भी बहुत बढ़िया थी। मैं घर आ गया। मुझे यकीन है कि मेरे कमरे में ताजी हवा की खुशबू जरूर आएगी। आओ नोबिता। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? इस कमरे में घुटन महसूस होती है। हाँ? तुम कमरे की खिड़की क्यों नहीं खोल देते? खिड़की खोलो और ठंडी हवा को तुम्हें गुदगुदाते हुए महसूस करो। बाहर कितना रहा है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने खिड़की बंद की थी। मैं तो फूलों वाली ताजी हवा के आसार ही नहीं नजर आते। क्या ताजी हवा? पता है, आज फिर सुनियो अपनी धौंस जमा रहा था। तुम जानते हो ना, उसके घर में एक बड़ा गार्डन है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों में हो, जहाँ ठंडी हवा चलती है। क्या ताजी और ठंडी हवा। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें चिड़ियों का चहचहाना भी सुनाई देगा। चिड़ियों का चहचहाना और ताजी ठंडी हवा। मैं ऐसे सुंदर फूलों वाला गार्डन जरूर देखना चाहूँगा। तुम भी ऐसा गार्डन देखना चाहोगी ना? तो प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। क्या सच में? अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। एवरीवेयर फैन। इससे तुम ठंडी खुशबूदार हवा यहाँ ला सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं हर तरह की हवा यहाँ ला सकता हूँ, जैसे कि जंगल वगैरह वगैरह। और हाँ, ये सब इस माइक्रोफोन में बोलकर मुमकिन हो जाता है। वाओ, ये तो बढ़िया है। और सुनो नोबिता, तुम इसे लहराकर हवा का रुख और फोर्स कंट्रोल कर सकते हो। वाओ, मजा आ रहा है। अब तो चिड़ियों को चहचहाना भी अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। मैं और तरह की हवाएं भी बना सकता हूँ, मिसाल के तौर पर। ये साउथ पोल से एक ब्लिज़र्ड है, कहो कैसा लगा? हाँ, एक ट्रॉपिकल ब्रीज, जल्दी एक ट्रॉपिकल ब्रीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी। अच्छी गर्मी है, मुझे तो ट्रॉपिकल फ्रूट की खुशबू आ रही है। ये मौसम हवाई या ताहिती में होता है। किसी भी तरह की हवा बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, तुम
फिर शुरू हो गए। मैं जानता हूँ तुम फिर एक मुसीबत खड़ी कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता। मैंने सही कहा ना डोरीमोन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, पर नोबिता तुम चिंता मत करो, मैं बस अलग अलग तरह की हवाएं बनाना चाहता हूँ। बाय बाय। माफ करना, बस इतना ही है। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा बना था सुनियो, और आज बहुत मजा आया। तुम्हें खुश देख जियान। अच्छा तब तो मुझे यहाँ रोज आना चाहिए सुनियो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओ अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं जरूर आऊँगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ये रही। ये चली गर्मा गर्म हवा। जी हाँ सुनियो, मुझे बहुत सताया था ना। अरे ये क्या है? आगे क्या बात है जियान? ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी तो गर्मियों में यहाँ तो मैं तप रहा हूँ। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता, भागो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इस फैन से बनाया है मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज। ये रहा वो फैन। तुमने मुझे बचा लिया नोबिता, जियान तो मेरे गले ही पड़ गया था। अब क्यों ना इस ब्रीज को बंद कर दें? क्यों नोबिता? मैं माफी चाहता हूँ, ये ब्रीज एक घंटे तक चलती रहेगी। क्या कहा, एक घंटा? ओके बाय। ये क्या हुआ? क्या कहा, ठंडी हवा? अच्छी बात है, खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद मैं हवा को महसूस कर पा रही हूँ। शिजुका क्या तुम जानती हो मैं किसी भी तरह की हवा चला सकता हूँ? क्या ये तुम्हारा है? हाँ शुक्रिया, ये मुझ पर उधार रहा। छोड़ो कोई बात नहीं। शिजुका क्यों ना हम थोड़ी देर कुछ खेलें? तुम्हारा मतलब क्या है? आइडिया, इस पर राई करें। क्या इस पर? हाँ हम इस तरह ऊपर जाएंगे। ये मैं नोबिता को लेकर परेशान हूँ, वो उस गैजेट का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, पर नोबिता हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। जब भी उसे कोई नया गैजेट मिल जाता है तो उसका दिमाग कोई नई शरारत करने में लग जाता है। वो इस वक्त भी कोई शरारत ही कर रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ नोबिता, मैं आ रहा हूँ। नोबिता तुम कहाँ हो? तूफान से खेलने में मजा आ रहा है। ये मजा आ गया। रुको, इतना समझ लो मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया डोरीमोन। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते नोबिता, तुम मेरी बात समझ रहे हो? फालतू बातें मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। वो मुझे दे दो, मुझे शिजुका के साथ खेलना है। नहीं मुझे दो, बिल्कुल नहीं। नोबिता भी
नोबिता की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे डोरेमोन, आज नोबिता को खूब डांट पड़ेगी। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो नोबिता। मैं घर आ गया। ओह डैड, आप ही का इंतजार था। अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो? घर में तूफान आया हुआ है, हम कुछ देर के लिए अंदर नहीं जा सकते। तूफान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डोरेमोन। तुम हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब उठो आलसी लड़के, दिन के उजाले में इस तरह से सो रहे हो? जाओ पढ़ाई करो। तुम इतनी शरारतें आखिर क्यों करते हो? अगर तुम्हें एग्जाम में एक बार भी जीरो मिला तो तुम बहुत पछताओगे, समझे? पढ़ाई करने के बाद घर साफ करना, कपड़े धोना और बर्तन धोना, ये काम नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ऐसा मत करो। चुप हो जाओ तुम। एक शब्द और कहा तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, समझे? चलो बोलो। हाँ नोबिता, तुम बड़ा चढ़ाकर बातें बताते हो। हाँ, पर वो बिना बात के हमेशा मुझे डांटती रहती है, समझे? बस करो नोबिता। अरे उन्होंने फिर से एक गलती की, मैंने तो ये मंगवाया ही नहीं था। 22nd सेंचुरी के डिपार्टमेंटल स्टोर वाले बहुत गलतियां कर रहे हैं। हाय नोबिता। अरे वो क्या है? अरे ये ककू एग है। एक ककू एग? हाँ, ककू का मतलब कोयल, समझ गए? ककू दूसरे पंछियों के घोंसले में अपने अंडे देते हैं। जब अंडे टूट जाते हैं तो जिस पंछी का वो घोंसला होता है वो इन बच्चों को देता है। हाँ? ये पंछी तो बहुत अजीब तरह का है, ये क्या करता है? बिल्कुल ककू की तरह, जब तुम इसे पहन लोगे तब तुम किसी और परिवार के बच्चे बन जाओगे। मैं इसे बाद में लौटा दूंगा नोबिता, अभी मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। ओके बाय। क्या मैं इसे ट्राई करूं? मैं मजाक कर रहा था। मेरी मॉम बहुत सख्त है, पर फिर भी वो मेरी अच्छी मॉम है। मुझ से दूर कर। बताओ, मुझे माफ कीजिए। तुम्हें माफी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैंने अभी सफाई की थी। तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। तुम स्कूल लेट पहुंचते हो, तुम्हें एग्जाम्स में जीरो मिलता है, मुझे तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। अब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता नहीं कि मुझे कितना बुरा लगता है। मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, कुएं की मदद से मैं किसी और का बच्चा बन जाऊंगा। लेकिन मुझे परिवार कौन सा चुनना चाहिए? जियान, बेटा जियान, ये लड़का भी ना, मैंने इससे कितनी बार दुकान संभालने को कहा है, अब ये कहाँ चला गया होगा? उससे वापस तो आने दो, आज उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। यहाँ तो बहुत खतरा है, मैं जियान के घर एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे लगता है मैं शिजुका के घर में ज्यादा सुखी रहूंगा। नोबिता तुम? अरे शिजुका, आज तुम घर पर हो? घर पर रहने के लिए माफी चाहती हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ खास नहीं। शिजुका जल्दी आओ। अच्छा, अभी आई मॉम। शायद वो किसी काम से बाहर जा रही है। मुझे माफ करना नोबिता, मुझे अपनी पियानो क्लास में जाना है, फिर मिलेंगे। ओफो, अब क्या करूँ? गरीब बचा है, उसका परिवार अच्छा रहेगा, वो लोग अमीर भी है।
और मैं भी रईस बाप का बेटा कहलाऊंगा। ये मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं सुनियो जैसा लगूंगा? मैं घर आ गया मॉम। ओ तुम ओ बेटा सुनियो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या मैं सच में सुनियो की तरह दिख रहा हूँ? क्या मतलब, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो सुनियो? अब चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। मजा आ गया। बड़ी अजीब बात है, पहले तो कभी तुम ऐसा नाश्ता करके खुश नहीं हुए, तो फिर आज क्या हो गया? क्या सच में सुनियो हर रोज इतना बढ़िया खाना खाता है? क्या सोचने लग गए बेटा, और आज के दिन तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी देती हूँ। अरे वाह, इतने पैसे! वाह क्या बात है! ये तो मेरी समझ के बाहर है। तो फिर नोबिता नोबी यही रहेगा। यहाँ पर ढेर सारी कॉमिक बुक्स और प्लास्टिक मॉडल्स हैं। मैं घर आ गया मॉम, मुझे नाश्ता दीजिए। ये बताओ तुम कौन हो? मजाक करना छोड़िए मॉम, आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं? मैं हूँ सुनियो, आपका बेटा। मेरा बेटा सुनियो तो कुछ देर पहले ही घर आ चुका है। ये कैसे हुआ? ऐसा हो चुका है, इस तरह मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कैसे की तुमने? चले जाओ यहाँ से। ऊपर आ जाओ। क्या हुआ मॉम? अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या बात है सुनियो, रो क्यों रहे हो? डोरेमोन, रोना छोड़ो और ये बताओ कि आखिर बात क्या है? नोबिता ने पता है मेरे साथ क्या किया? क्या कहा सुनियो, नोबिता तुम्हारा बहरूपिया बना हुआ है? बेटा नहाने का वक्त हो गया है, चलो चलकर नहा लो। ठीक है मॉम। क्या बात है, ये बाथरूम नहीं है, ये तो बाथ हाउस है। ओ, मुझे ये सब लॉन्ड्री में भेजना होगा। वो जरूर मेरे कमरे में बैठा हुआ होगा और मेरे कॉमिक बुक्स पढ़ रहा। नोबिता बहुत हो चुका, चलो बाहर आओ। लगता है वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, जरा जोर से बोलो। हाँ ठीक है। ये तो फालतू चीज है। हे नोबिता, पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना बेटा सुनियो? हाँ? ओ तुम हमारे बाथरूम में क्या कर रहे हो नोबिता? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस तरह दूसरों के घर में घुसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जवाब दो। मुझे माफ कीजिए। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, समझे तुम? मॉम। क्या मॉम? आंटी यही असली सुनियो है। मुझसे मजाक मत करो, असली सुनियो तुम हो। क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? अब चलो स्कूल जाने का वक्त हो गया है, जल्दी करो। उसके बाद इंग्लिश की ट्यूशन और वॉयलिन क्लासेस भी तो है। तुम लोगों ने पता नहीं क्या मजाक लगा रखा है, अब चलो अंदर। नोबिता सुनियो कुछ तो कहो, इनको कोई समझाओ। अब हम क्या करें? मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी क्लासेस खत्म नहीं होती तब तक डोरेमोन मेरी जगह ले सकता है। आंटी मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं